तो इस प्रकार सर्दियों की सब्जियां हार्वेस्ट करने के बाद हमें अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करने के बाद इसे हम अपने गमलों में भरेंगे ताकि उससे समर वेजिटेबल्स के लिए ढेर सारी हार्वेस्टिंग हम ले सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के बाद सर्दियों की सब्जियाँ जो हम गमलों में लगाते हैं उन्हें हार्वेस्ट करने के बाद मिट्टी जो है हमारी बिल्कुल इसमें से न्यूट्रिएंट्स आप एक तरह से मान लीजिए ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सीज़न जब हम ग्रो बैग में सब्जियां उगा लेते हैं तो उसके बाद मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं हैं, पौष्टिक तत्व बचे नहीं होते हैं, क्योंकि हम कई बार वाटरिंग करते हैं तो ड्रेनेज होल के रास्ते जो उसमें पौष्टिक होती है जो हम कंपोस्ट देते हैं वो पानी के साथ मिलकर ड्रेनेज होल के रास्ते बह जाते हैं और पौधे जो होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मिट्टी में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक सीज़न की सब्जियां हार्वेस्ट करने के बाद हम अपने ग्रो बैग की मिट्टी को रिचार्ज करें और रिचार्ज करके दोबारा से उसे नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करें। तो कैसे तैयार करना है, क्या क्या हमें इसमें मिलाना है, तो पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे। दो तरीका दोस्तों मैं बताऊँगा आपको मिट्टी को रिचार्ज करने की, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों मैं दो तरीका बताता हूं आपको कि मिट्टी किस प्रकार रिचार्ज करनी है। एक तरीका है दोस्तों कि मिट्टी को हमें ग्रो बैग से निकाल के फैला के अलग करके रिचार्ज करनी है, और दूसरा तरीका कि ग्रो बैग में मिट्टी जो बड़े ग्रो बैग होते हैं हमारे उनसे मिट्टी निकालना आसान नहीं होता है, तो उस मिट्टी को हमें उसी ग्रो बैग में कैसे रिचार्ज करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रो बैग में मिट्टी कैसे रिचार्ज करते हैं हम। दोस्तों ये मेरा 18x18 इंच का ग्रो बैग है, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें से मिट्टी बार बार निकालना और फिर इसको भरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें से हम मिट्टी नहीं निकालेंगे, इसको हम इसी ग्रो बैग में मिट्टी को रिचार्ज करेंगे। उसकी पूरी प्रक्रिया आप देखिए कैसे करना होता है हमें। पहले सबसे पहले क्या करना है आपको कि सर्दियों का मौसम है, जो भी इसमें आपको वीड्स दिखाई दे खरपतवार उन्हें आप निकाल लें, इससे अलग कर दें। अलग करने के बाद दोस्तों हमें इसकी डीप गुड़ाई कर लेनी होती है, ऊपर पर हल्की गुड़ाई नहीं, कम से कम 6 से 7 इंच गहरी गुड़ाई कर लीजिए आप इसको, ये देखिए इस प्रकार से, ताकि नीचे की मिट्टी आप उलट पलट दीजिए और मिट्टी को भुरभुरी कर दीजिए अच्छे से। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली है इसकी, और गुड़ाई करने के बाद इसे आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़िए, तो उसमें क्या करना है आपको कि सुबह आपने अगर गुड़ाई की है तो शाम को फिर से आके एक बार इसको इस तरह से पलटी कर दीजिए मिट्टी को, ताकि जो नीचे की मिट्टी हो वो उस पर भी धूप लग जाए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ऊपर की मिट्टी तो धूप से सूखती ही सूखती है, नीचे की मिट्टी में भी धूप आराम से पहुँच जाती है, एरेशन हो जाता है मिट्टी में अच्छा, तो पूरे गमले की मिट्टी आपकी एक तरह से कह लीजिए आप स्टेरिलाइज हो जाती है धूप से। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने पहले से इसमें गुड़ाई करके रखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, दोस्तों जब आपकी मिट्टी धूप 24 घंटे की धूप ले लेती है तो आपको इसमें क्या करना है कि किसी टब में या किसी बकेट में आपको ऊपर की करीब 4 से 5 इंच की मिट्टी निकाल लेनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है, आप ऊपर से 4-5 इंच मिट्टी निकाल लेंगे इस प्रकार। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी नीचे तक हम जो कंपोस्ट हम मिलाएंगे या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें देंगे तो उसे हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ऊपर की 4 इंची मिट्टी जब निकाल लेंगे आप तो जो भी आप इसमें फसल लगाएंगे नेक्स्ट सीजन की तो उनकी जहां रूट्स जानी है आप कम से कम 4-3 इंच नीचे आप लगाते हैं रूट्स, तो जहाँ रूट्स जाएंगी हम वहाँ की मिट्टी को ज़रूर उपजाऊ बनाएंगे, तो उसके लिए हमें मिट्टी निकालना बहुत आवश्यक है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने करीब करीब 3-4 इंच से ऊपर मिट्टी निकाल ली है, अब इसको फिर से आपको दोबारा से डीप गुड़ाई यहाँ से करनी है, ये देखिए ये हमने दोबारा से इसकी डीप गुड़ाई कर ली है। अब इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए मिलाना है वो मिलाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी गुड़ाई होके तैयार हो गई है, अब इसमें हम आपको दिखाएं मिलाएंगे क्या, ये ह्यूमिक एसिड है दोस्तों, इसको मिलाएंगे, और
आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये फास्फोरस है, इसके अलावा बोन मील, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर काउडंग कंपोस्ट आप ले रहे हैं तो कम से कम साल भर पुरानी, अच्छे से सड़ी गली होनी चाहिए। नीम खली, नीम खली दोस्तों अभी पाउडर फॉर्म में आने लगी, पहले ग्रेनुल्स में आती थी, तो नीम खली मिलाएंगे। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, कोई फंगिसाइड पाउडर। तो दोस्तों ये मेरा 18x18 का ग्रो बैग है, इसके हिसाब से मैं बता दूँ आपको, करीब आप 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो के आसपास इसमें हम मिलाएंगे गोबर की खाद। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई गार्डनिंग करते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वाटरिंग करते करते जो कंपोस्ट होती है वो ड्रेनेज होल के रास्ते एक्सेस वाटर के साथ बह के निकल जाती है, तो मिट्टी में उपजाऊपन कम हो जाता है, और जो बचा होता है उपजाऊ पोषक तत्व तो वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे हमें हर बार जब भी नए पौधे लगाने हो तो मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत आवश्यक होता है। ह्यूमिक एसिड हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, करीब 20 से 25 30 दाने ह्यूमिक एसिड के हम इस प्रकार इसमें बिखेर देंगे। फिर दोस्तों हम फास्फोरस लेंगे। फास्फोरस का काम होता है दोस्तों मिट्टी को, जो इसमें पोषक तत्व हैं उनको वर्किंग प्रक्रिया में लगाने का। जो भी पोषक तत्व हम मिलाते हैं इसमें मिट्टी में, तो फास्फोरस उनको, ये कह लीजिए, उनकी वर्किंग डबल करता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में उपजाऊपन बनाए रखता है, इसके अलावा बोन मील जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो करीब हम इसमें 18x18 के ग्रो बैग में 2 मुट्ठी बोन मील मिलाएंगे। फिर दोस्तों 1 से 2 मुट्ठी के आसपास हम इसमें नीम खली भी मिला देंगे। नीम खली फंगस से भी बचाएगा, ये एंटी फंगल भी है और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। फिर लास्ट में दोस्तों, क्योंकि मिट्टी कई बार की कई तरह के रूट्स देखी होती है, उसमें बीमारियां होती हैं, तो उसमें हम कोई भी फंगिसाइड पाउडर 1 चुटकी के आसपास मिला देंगे। अब इसके बाद हमें इन्हें एक बार फिर से सारी चीज़ें मिलाने के बाद गुड़ाई कर देनी है मिट्टी की, ताकि जो भी हमने इन्ग्रीडियंट्स मिलाए हैं ये नीचे तक पहुँच जाएँ और अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं दोस्तों। क्योंकि अगर ये मिलेंगे नहीं, एक जगह रह जाएंगे, तो पौधे को जो रूट्स उसकी डेवलप होंगी, पौधे की जो भी आप इसमें लगाएंगे, तो उनको कहीं पे मिलेगी पोषक तत्व, कहीं पे नहीं मिलेंगी, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों जो मिट्टी हमने निकाली होती है पहले 4 इंच जो, इसको फिर से हमें वापस इस ग्रो बैग में डाल देना है। ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी हमने वापस इस ग्रो बैग में फिर से भर दी है। ये देखिए, और इसको फिर हमने फैला लेना है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो मिट्टी हमने ऊपर से फिर से भरी है, इसमें हमें गोबर की खाद 1 से 2 मुट्ठी फिर से मिला देनी है। इसमें हमें गोबर खाद के अलावा और कुछ भी नहीं मिलाना है दोस्तों। तो बस हमने 1-2 मुट्ठी गोबर की खाद मिला के इसको हल्के हाथों से मिला देना है, और उसके बाद हमें कर देना है इसमें अच्छे से वाटरिंग, खूब ढेर सारा इसमें देना है पानी। और पानी देने के बाद हमने इस गमले को कम से कम 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। पानी दे के छोड़ने का मतलब दोस्तों इसलिए है सिर्फ कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाया है वो मिट्टी में अच्छे से घुल जाएँ, मिल जाएँ, ताकि मिट्टी पोषक हो जाए, उपजाऊ हो जाए। और 2 दिन बाद फिर आप इसमें कोई भी पौधा जो आप तैयार कर रहे हैं उसको इसमें लगा सकते हैं, और पूरी गर्मी उसमें आप कंपोस्टिंग नॉर्मल, फिर मिट्टी आप में जैसे कंपोस्टिंग करते हैं वैसे करते रहिए, और ढेर सारे सब्जियां तोड़ते रहिए। अब आ जाते हैं अपने दोस्तों दूसरी विधि पे, जिसमें हम मिट्टी को गमले से बाहर निकाल के स्टरलाइज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरा 12x12 का ग्रो बैग था, जिसकी मिट्टी मैंने निकाल के धूप में फैला रखी है। आपको भी क्या करना है, जो भी आपको मिट्टी गमले हैं उनसे निकाल के अपने खाली जगह पे फैला लीजिए, कम से कम 2 दिन तक धूप में इनको पलटते रहिए और अच्छे से धूप दिखाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी मिट्टी में फंगस हो या फिर जो भी कमियां होंगी वो स्टेरिलाइज हो जाएंगी, बीमारियां होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपकी मिट्टी फ्रेश हो जाएगी। फिर इसको आपको
रिचार्ज करने के लिए इसमें आपको कंपोस्टिंग करनी है। कंपोस्टिंग करने के लिए हम इंग्रेडिएंट सारे वही यूज करेंगे जैसे कि हम ग्रो बैग में भरे हुए ग्रो बैग में यूज कर रहे थे। तो ये मेरा काउडंग कंपोस्ट है, तो मैं इसमें भी ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें करीब करीब आधा किलो के आसपास कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट मिलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों हम कम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसी कंपोस्ट पहले से मिट्टी में काफ़ी सारा कंपोस्ट हम मिलाए हुए हैं, और आगे जब पौधा लगाएंगे तो फिर हमें पौधे लगाने के साथ साथ कंपोस्टिंग करते रहना है, तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट हमें नहीं मिलाना है। तो गोबर की खाद हमने मिला दी, इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें फास्फोरस। फास्फोरस मिलाना मुझे मेरे लिए दोस्तों मैं इसे बहुत ही आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि ये मेरी मिट्टी में उपजाऊ जो भी पोषक तत्व हैं उन्हें होल्ड रखता है। तो मैं अपनी सभी मिट्टी में फास्फोरस जरूर मिलाता हूँ। इसके बाद हम मिलाएंगे बोन मील 1 से 1.5 मुट्ठी, और हम डालेंगे करीब 10 से 15 ग्रैनुल्स ह्यूमिक एसिड के, और 1 से 1.5 मुट्ठी नीम खली। ये दोस्तों नीम खली भी बहुत ही आवश्यक होता है हमारी मिट्टी में ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फंगस से भी बचाएगा। और लास्ट में हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव कर देंगे ताकि जो भी फंगस पुरानी इसमें पौधे में लगे हों या उसकी रूट्स में हों वो वहीं ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार हमने इन सबको मिला लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मिट्टी को अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब इसे हम ग्रो बैग में भरेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ग्रो बैग जिससे मैंने मिट्टी निकाली थी पुराना, तो ग्रो बैग में हम इसे भरेंगे। अब उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ग्रो बैग में मिट्टी भरते हैं तो मिट्टी भरने से पहले आपको ग्रो बैग में नीचे मिट्टी जो ड्रेनेज होल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक ना करें। इसके लिए मैं अपने गार्डन से, देखिए ये निकले हुए वेस्ट जो पत्ते होते हैं इन्हें इस ग्रो बैग में नीचे एक लेयर बना देता हूँ इनकी, ताकि जो भी पानी हमारा एक्सेस वाटर हो वो इस रास्ते मिट्टी से ब्लॉक ना हो इनके ड्रेनेज होल्स, और फिर ये गल के सड़ के कंपोस्ट भी बन जाते हैं, तो उससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ होती है। तो हम इसमें मिट्टी को, पूरी मिट्टी अपनी इसमें वापस से भर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए मिट्टी हमने भर ली है दोस्तों ग्रो बैग में। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटरिंग कर देंगे अच्छे से, और वाटरिंग करके इसे हम 2-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो हमारी मिट्टी है वो अच्छे से ग्रो बैग में बैठ जाए और हमारी पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों मिट्टी अच्छी है जानने के लिए जब वाटरिंग आप करते हैं, ये देखिए मिट्टी पे ऊपर सतह पे पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक रहा है तो आप समझ लीजिए मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें कर दी वाटरिंग, और ये सारा पानी अभी नीचे की तरफ ड्रेनेज होल की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, मिट्टी में आप देखिए पानी सारा नीचे बैठ जा रहा है। तो आपको मिट्टी ऐसी बनानी है कि पानी इसकी सतह पे रुके नहीं, सारा मिट्टी में नीचे की तरफ निकल जाए और ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल जाए। इस प्रकार आपको मिट्टी पानी डाल के करीब 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप कोई भी पौधा, कोई भी सब्जी इस मिट्टी में लगाते हैं तो आपको इसमें से ढेर सारी उपज मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।